didn't anyone teach you to watch your back? Didn't anyone teach you to watch your back and your surroundings? Interesting. Hope to see you all again soon. Later, Gator. Forget it. It's impossible to take them all out. It will only draw more trouble. Yeah, later, Alligator. Hope they live long enough to see us again. Looks like the Ace Challenge isn't gonna be easy this time. The best players in the world are all here. How about that? You walked into a trap too. Come, tell me how you went from being the hunter to the hunted. Nice ambush you pulled on yourself. Oh, they better hope I don't see them again, or they'll be dead meat. हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब के लिए। जो जो बंदे रीनेम कार्ड के लिए तरह तरह के वीडियो देखते हैं, तरीका अपनाते हैं, बट उन लोगों को फ्री में रीनेम कार्ड नहीं मिल रहा, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि आज पबजी मोबाइल में बहुत ही बेहतरीन इवेंट आया है, बट ये जो इवेंट है ये हम लोग के इंडियन सर्वर में नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए इंडियन सर्वर में कुछ बेहतरीन इवेंट आएगा। क्योंकि आपको पता ही है रीज़न, इसलिए टर्की रीजन में एक बेहतरीन इवेंट आया है जिसका हेल्प से आप फ्री में रीनेम कार्ड ले सकते हैं, इवन एक नया पॉपुलैरिटी भी ले सकते हैं जो अपने सेकेंड आईडी और नहीं तो फ्रेंड को भी दे सकते हैं। तो कौन सा रीज़न आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है और इधर आप देख पा रहे हैं मेरे जो रीज़न है वो टर्की है। और एक चीज़ बता देता हूँ, रीज़न चेंज करने से पिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं रीज़न चेंज करूँगा तो मेरे पिंग में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, देखिए पिंग है ना सही, ऐसे अगर पिंग 99 ठीक है, पिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, केवल इवेंट में होता है। अगर इंडिया में कुछ इवेंट आता है मतलब पर्टिकुलर इंडियन रीजन में, तो आपको टर्की सर्वर नहीं दिखेगा, और टर्की में पर्टिकुलर कोई इवेंट आता तो वो इंडियन सर्वर में नहीं आएगा। बट जो जो बंदे टर्की सर्वर में चेंज कर लिए तो उन लोग से अगर पूछेंगे तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि टर्की सर्वर ख़राब है, क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ परमानेंट मिल चुका है और ये मुझे भी पता है। तो अगर आपको रीज़न चेंज करना है, आपको रीनेम कार्ड चाहिए, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं कम्प्लीटली दिखाया हूँ कैसे आप रीज़न चेंज कर सकते हैं। कोई भी VPN यूज़ कीजिए जिसमें टर्की सर्वर का रीज़न है, गेम ओपन कीजिए, चेंज कीजिए, और 60 डेज तक आप वापस इंडिया में नहीं आ सकते अगर आप फर्स्ट टाइम इसको चेंज करेंगे। तो अगर आपको करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख के रीज़न चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ आप टर्की रीज़न में है, तो आपको सिंपली इवेंट में क्लिक करना होगा। और एक इवेंट आपको दिख पा रहा है ब्लिसपून नाम का, और ये जो इवेंट इसका जो टाइम पीरियड है 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ और 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो ये ड्यूरेशन में सिंपली आपको करना ये है कि ये जो फ्लावर्स सब आप देख पा रहे इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कलेक्ट करना होगा ऑलरेडी पता है, तरह तरह के मिशंस दिया जाएगा डेली बेसिस में, और ये फ्लावर्स सब आप कलेक्ट कर सकते हो। लॉग इन करेंगे तब एक एक फ्लावर मिलेगा, कंप्लीट 1 मैचेस वाली इन ग्रुप विद फ्रेंड, अगर आप मैच कंप्लीट करेंगे फ्रेंड के साथ तो आपको 2 और मिलेगा, कंप्लीट 3 मैचेस वाल ग्रुपिंग विद फ्रेंड तो आपको 2 और मिलेगा, और अगर आप 60 यूसी स्पेंड करते हैं तो आपको 4 मिलेगा। तो उसको फिलहाल के लिए हम लोग स्किप करते हैं। तो ये सब फ्लावर को आप डेली बेसिस में कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं। ब्लिसफुल का रिडीम भी आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ही आपको दिख पा रहा है 30 फ्लावर्स से आप एक आईडी कार्ड ले सकते हैं फ्री में। उसके बाद आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रू चैलेंज में तो अभी क्रू चैलेंज आएगा तब तो क्रू वेरिफिकेशन होगा, तो क्रू चैलेंज आने का भी चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस है। तो ये परफेक्ट वे है, उसके साथ साथ बहुत सारा टाइम लिमिटेड आउटफिट भी है, तो वो चीज़ मेन नहीं है, मेन चीज़ है आईडी कार्ड। उसके साथ साथ आप देख पाए लास्ट में एक पॉपुलैरिटी भी है, क्या नाम है, जेमस्टोन रिंग पॉपुलैरिटी। ये अगर आप किसी को भेजेंगे तो 400 पॉपुलैरिटी एक बार में बढ़ेगा। तो ये दोनों ये पहले रिडीम कर लीजिए आईडी कार्ड अगर आपको चाहिए होगा तो, और उसके बाद आप ये वाला पॉपुलैरिटी रिडीम कर सकते हैं। टाइम लिमिटेड आउटफिट लेकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, बट लास्ट में अगर बहुत सारा बच जा रहा है तो आप टाइम लिमिटेड आउटफिट ले सकते हैं। तो ये तो आईडी कार्ड है, ये एक बार ही आप रिडीम कर सकते हैं।
पॉपुलैरिटी आप 10 बार रिडीम कर सकते हैं और बाकी सब आप 2-2 करके रिडीम कर सकते हैं। केवल यही नहीं है, ये सर्वर में अगर आप आते हैं तो और एक इवेंट भी चल रहा है, स्ट्रेप्स अस चैलेंज, तो इसमें आप देख पर ये सब आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऊन का गोला है इसको कलेक्ट करेंगे और इसको रिडीम कर सकते हैं ये परमानेंट आउटफिट में। जैसे कि आप देख पर ये आउटफिट अगर आपके पास नहीं है तो ये परमानेंट आउटफिट आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, टर्की सर्वर एक ऐसा सर्वर है जहां आप चेंज करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, अफसोस नहीं करेंगे। बट फिर भी बता दे रहा, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर चॉइस, अगर आप करना चाहते कर सकते, पिंग में कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही था आपके लिए वीडियो और बेहतरीन इवेंट था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक इवेंट का वीडियो बना दिया जाए। भले ही वो दूसरा सर्वर में है बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट मैं मेन चैनल में कवर करूँगा और जो जो नॉर्मल इवेंट होगा वो मैं सेकेंड चैनल में कवर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा काम इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं, चैनल पर नए अगर सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे ये होगा जब भी उन्होंने नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।